वेलकम बैक डियर एस्पिरेंट, हियर वी विल डिस्कस गालसवर्दीज फेमस वर्क द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स की समरी पहले भी डिस्कस की जा चुकी है ट्वाइस, अभी हम इसको हिंदी में डिस्कस करते हैं। सिल्वर बॉक्स एक थ्री एक्ट कॉमेडी है, फर्स्ट प्ले है जॉन गालसवर्दी का। ओरिजिनली इसको उन्होंने लंडन 1906 में प्रोड्यूस किया गया था। जैक बार्थविक जो कि जॉन बार्थविक का एक सन है, वो अपने घर मिड नाइट ड्रंकन स्टेट में आता है, मतलब ड्रंक करके आता है। ये जो जॉन बार्थविक है ये वेल्दी मेंबर है पार्लियामेंट का और एक लिबरल पार्टी से बिलोंग करता है। जॉन्स उनके घर पर वर्क करता है जो कि बहुत ज़्यादा पुअर है, मैले कुचैले कपड़ों में आकर जैक की हेल्प करता है गेट खोलने में। वो उस गेट से अंदर एंटर करता है, लड़खड़ाता हुआ डाइनिंग रूम तक जाता है। उसके हाथ में एक लेडीज़ पर्स है, उस पर्स में से जैसे ही वो गिरता है तो एक सिल्वर बॉक्स निकल कर बाहर गिर जाता है। अब जब जॉन्स उसकी हेल्प करता है जैक बार्थविक की अंदर आने में, तो वो उस हेल्प के लिए उसको कुछ देना चाहता है। तो जब वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है तो एक शिलिंग ही उसे मिलता है, तब वो वहाँ पर उसे ड्रिंक ऑफर करता है, ठीक है। और जॉन्स को वो बताता है कि रास्ते में उसका झगड़ा हो गया था और उसने बैग उसके हाथ से छीन लिया था, और ऐसा कहकर वो वहीं पर सोफे पर लेट जाता है। अब जो जॉन्स है उसको उसने ड्रिंक ऑफर की थी जैक ने, तो वो विस्की के कई पैक वहाँ पर गल्प कर लेता है। अचानक से वो सिल्वर बॉक्स और लेडीज़ पर्स उठाता है और रूम में ऐसे ही चला जाता है रूम छोड़कर। अब जो है यहाँ पर नेक्स्ट डे जब सब वहाँ बातें कर रहे होते हैं आपस में, तो जो मामला है वो पुलिस तक पहुँच जाता है। अब पुलिस तक जब मामला पहुँच जाता है तो जैक को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाता है, कोर्ट में मामला पहुँच जाता है। जैक वहाँ पर जो है कसम खाकर सच बोल देता है, बहाना बनाता है कि उसे तो कुछ याद नहीं और वो जॉन से इससे पहले कभी नहीं मिला। जॉन से इस पूरे मामले में इसलिए फंस जाता है क्योंकि जो चोरी का सामान है वो जॉन्स के पास मिलता है। अब यहाँ पर इस सारे इंसिडेंट में जो जॉन्स है वो फंस जाता है और उसके पास कोई आंसर नहीं होता। जॉन्स मजिस्ट्रेट के सामने मजिस्ट्रेट क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है, कि जैक क्यों उस लेडी का पर्स लेगा, क्योंकि वो तो एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है। तो अब जो ये रॉपर है, ये रॉपर इंटरवेंस करता है, रिक्वेस्ट करता है मजिस्ट्रेट से कि जैक को छोड़ दिया जाए, ठीक है, और वहाँ से जाने दिया जाए। और जो जॉन्स है उस पर सारे एक्यूज़ वहाँ पर लग जाते हैं। जो मिसेस जॉन्स हैं उनको छोड़ दिया जाता है और मिस्टर जॉन्स को वहाँ पर गिल्टी करार दिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। और जो जॉन्स है उसको गिल्टी माना जाता है पब्लिक सर्वेंट पर अटैक करने के लिए। अब जैक जो है वो वहाँ पर वो बताता है मुझे याद है जॉन्स एक महीने वहाँ प्रिजनर में रहता है ना, कॉल द जस्टिस, व्हाट अबाउट हिम, ही गॉट ड्रंक, वो इस तरह के वर्ड जॉन्स बोलता है जैक के बारे में। लेकिन उसकी कंप्लेंट कोई सुनता नहीं है और यहाँ पर साबित हो जाता है, प्रूव हो जाता है कि जो सोशल पार्शलिटी है उसमें जो वेल्दी पर्सन है उनकी बात को सुना जाता है, जो पुअर है उनकी बात को नहीं सुना जाता। अब यहाँ पर जो कोर्ट है वो एडजर्न हो जाती है लंच के लिए। रॉपर जो रिपोर्टर को बताता है कि जैक बार्थविक ने कुछ नहीं किया है और इसकी वजह से बार्थविक फैमिली को कोई डैमेज ना हो, और जैक उस कोर्ट से प्राउडली बाहर निकल कर चला जाता है। मिस्टर बार्थविक की जितनी भी दलीलें हैं उनको अनसुना कर दिया जाता है और जो पुअर जॉन्स है उसको गिल्टी करार देकर वहाँ पर जेल हो जाती है। तो ये था द सिल्वर बॉक्स, और ये जो है शो करता है अनजस्टिस को, सोशल इम्पार्शलिटी को, यही इसकी थीम है। इसमें टाइम की बात करते हैं, जो एक्ट्स हैं थ्री एक्ट्स हैं जिसमें फर्स्ट टू एक्ट्स ईस्टर ट्यूसडे में रखे गए हैं। एक्ट फर्स्ट में तीन सीन हैं, सीन फर्स्ट रॉकिंगम गेट जॉन बार्थविक्स के डाइनिंग रूम का है, सीन टू भी वहीं का है और सीन थर्ड भी। इसी तरह से एक्ट टू में सीन वन जॉन्स लॉजिंग्स मैथ्यू स्ट्रीट का है, सीन सेकंड जॉन बार्थविक के डाइनिंग रूम का है, और एक्ट थर्ड लंडन पुलिस कोर्ट का है जहाँ पर जॉन्स को गिल्टी करार दिया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह की स्टोरी है, इसको आप अच्छे से रीड कीजिए, एग्जाम आपका नियर है, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। हैव अ गुड डे।